हाथरस में शॉर्ट सर्किट होने के बाद घर में आग लग गई। आग लगने से घर में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लोगों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप, क्योंकि शिकायत करने के बाद भी जर्जर तारों की मरम्मत नहीं की गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने के मामला सदर कोतवाली क्षेत्र में भूरापरी चौराहे की गली नंबर 3 में हुआ है। आग इतनी तेज थी कि जब तक आग को बुझाया गया तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हाथरस से नीरज चक्रपाणी, SKH न्यूज। क्या नाम आपका? ये आग कैसे लगी घर में? ये बात की लापरवाही से लगी। इतना जाल यहाँ पड़ा हुआ है इस पर। तो इसकी शिकायत नहीं की कभी बिजली पे? कई बार कह चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो वो कितना नुकसान हो गया होगा? नुकसान तो सबको हुई, आइडिया नहीं कितने का नुकसान है, लेकिन नुकसान काफी सारा जो भी सामान था जल गया सारा। किस जगह घटना है, कौन सा जगह बोली जाती है? भूरापुरी गली नंबर 3।